अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। भटिंडा पुलिस के ईजी श्री भूपिंदरजीत सिंह विर्क ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शनिवार रात को सुखप्रीत सिंह संधू उर्फ सुखन की हत्या कर पुलिस पूछताछ में पता चला है कि मृतक सुखप्रीत के साथ पैसे का आदान प्रदान किया जा रहा था, क्योंकि आरोपी संजय कुमार ठाकुर फाइनेंस का काम कर रहा था। मृतक सुखप्रीत सिंह ने लगभग 3 साल पहले 3 लाख रुपए का फाइनेंस पर लिया था, जिसमें से 1 लाख रुपए चुकाए गए थे। ऐसा करने के बारे में बात की गई, इसमें से मृतक सुखप्रीत सिंह संधू अपने घर से केवल 40,000 रुपए लेकर आया था। उसे गोली मार दी गई और एक पिस्तौल और 40,000 रुपए लेकर फरार हो गया। वह अपनी पत्नी के साथ दिल्ली से लौट रहा था। पहचान की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया, पिस्तौल बरामद किए गए और पुलिस ने जब्त कर ली। मिस्टर संजय ठाकुर है जिन्होंने जो इस केस के अरेस्ट किया, जो इनिशियली इन्वेस्टिगेशन गल सामने आई है, कुछ पैसे सुखमनप्रीत ने वो तो अराउंड 3 लाख रुपीज संजय तो लाए थे इंटरेस्ट पे, और ना ही उन्होंने कोई पैसा वापस किया। जिस तो 4 तरीक न आया सीगा भी ये सुखमनप्रीत उन्होंने कुछ अमाउंट वापस करेगा अराउंड 1 लाख रुपीज, बट जो डेजिग्नेटेड प्लेस से जिथे पैसे हैंड ओवर करने से उतने इन्हों का आपस तकरार होया, क्योंकि वो पैसे हूँ तक भी पुछगिछ जो आया भी उन्हें पैसे जिन्हें गए से देने उन्हें नहीं सी लेके आया, उतने उन्हों का आपस तकरार होया। सुखमनप्रीत अपना पैसे से वेपन कैरी कर रहा है, वो उठे खो के गोली मारी गई संजय वाले, तो असी जो वेपन सीगा वरत्या गया 34 पिस्टल सुखमनप्रीत का सीगा विद उहदा लाइसेंस सारा रिकवर कर लिया संजय कुमार, फिर जो 40,000 रुपया सुखमनप्रीत कैरी कर रहा है उसमें 10,000 रुपया उसने खर्चा, तो 30,000 रुपया सर इन्हों पहले फोन किया आपस सवेरे फोन से गलबात हुई रात में भी हुई है भी पैसे रात में भी हुई है जो इन्हें मदर ने भी लिखाया कि किसी ने इन्हें पैसे देने जाने जी, तो फिर अज रिमांड लेना ही है अज पेश करा कल सवेरे फिर रिमांड लैके फरदर इन्वेस्टिगेशन कोशिश करा जो फरदर इन्वेस्टिगेशन चाहेगा वो अस केस से पहले कोई मामला दर्ज है जी नहीं जी इस कोई मामला दर्ज नहीं है जो कैमरामैन कपिल शर्मा के साथ धर्मेंद्र की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।